वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है सबके। और आज ये कुछ ड्रेसेस लेकर आई हूँ, माय फेवरेट समर ड्रेसेस, जिनकी सोचा कि डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर करते हैं कि कैसे सिंपल तरीके से और थोड़ी बहुत चेंजिंग के साथ जो है आप अपने कपड़ों को और खूबसूरत बना सकते हैं। तो कुछ समर ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़ आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अभी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस रेड वाली के साथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नंबर वन होगा ये लॉन का, ये ड्रेस है। कलर थोड़ा सा ब्राइट है लेकिन सब कलर अच्छे लगते हैं, सारे कलर पहनने चाहिए। अब ये है कि नेक देख रहे हैं इसकी, कि नेक पे बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी है, तो नेक पे हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी जब नेक इतना भरा हुआ है तो उस पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद दामन पे मैंने क्या किया है कि एम्ब्रॉयडरी के कलर की मैंने एक जॉइनिंग लेस ली है। इसको दामन थोड़ा सूना सूना सा था, खाली था, तो उसको भरने के लिए इस कलर की हमने, जिसने कलर की आपको मिल सके, एक लेस ले ली है, ठीक है। यहाँ पे हमने लगवाई है जॉइनिंग लेस। जॉइनिंग लेस आपने ऊपर से नहीं लगवानी है, ये देखें इस तरह से अंदर से ही लगवानी है। आप देख रहे हैं जॉइनिंग लेस लगवाई है, और दामन पे हमने इसकी फिर थोड़ी हैवी वाली और थोड़ी शाइनी शाइनी सी, इसमें स्टार्स लगे हुए हैं, सीक्वेंस वाली जो ये लेस है ये हमने लगा दी है, ठीक है। इससे हमारा दामन जो है वो बहुत खूबसूरत हो गया और थोड़ा बढ़ गया। अब चाहें तो सिंपल ऐसी वाली लेस भी लगा सकते थे, लेकिन जब हमने बीच में जॉइनिंग लगाई है तो ये थोड़ा सा कलर ब्रेक हुआ है रेड का मस्टर्ड से, तो ये उठ गया है, इसका दामन जो है बहुत खूबसूरत हो गया है, ठीक है। अच्छा, ये इसकी बैक है, इसकी बैक पे भी आपने सेम ऐसे ही करना है इस तरह से। अब आपको दिखाते हैं इसकी स्लीव्स। स्लीव्स पे भी इसी तरह बीच में जो है जॉइनिंग लेस लगी है यहाँ पे, ठीक है। फुल स्लीव्स हैं इसकी, ये देखिए फुल स्लीव्स हैं, और यहाँ पे हमने जॉइनिंग लेस लगवा दी है। और उसके बाद यहाँ पे ये जो टसल्स हैं आस्तीन में, ये लगवाए हैं ताकि ये थोड़ा सा खूबसूरत रहे और थोड़ा सा एक एलिमेंट ऐड करने के लिए, क्योंकि ये हाथ में कितने खूबसूरत लगेंगे। ये देखिए, ये मैंने स्लीव्स पहन ही ली है, तो ये इस तरह से कोई इनका लुक आता है जब ये टसल्स जो हैं ये इस तरह से होते हैं। आपके हाथ में स्लीव्स फुल है ये, और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इस तरह से आप इनके साथ खेल भी सकते हैं अगर बोर हो रहे हो तो। ये पिक्चर चाहें तो आप ले सकते हैं ऐसे। यह जनाब इस कुर्ते का कंप्लीट लुक ऐसा सी। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास ये वाला कुर्ता। गर्मियों के हिसाब से बहुत ही खूबसूरत ठंडा ठंडा इसका कलर है, और टाइम डाई है, ये पसंद होता है लोगों को बहुत अच्छी। इसके साथ हमने क्या किया है, इस प्लेन कुर्ते को थोड़ा सा और खूबसूरत करने के लिए, सबसे पहले तो आप इसकी नेक देखें, ठीक है। ये रही इसकी नेक, तो मैं आपको दूसरी तरह दिखाती हूँ। ये देखें, ये है इसकी नेक, ठीक है। इसकी नेक में मैंने क्या किया है कि इसकी शर्ट में से ही जो हमने थोड़ा सा ये वाला फैब्रिक लिया है इसकी शर्ट में से, और इसका हमने बनाया है गला, ठीक है। फैब्रिक लेके हमने इसकी ये गला पट्टी बनवा ली है। यहाँ पे थोड़ा सा बीच में ये कट है, और इसके बाद ये जो छोटे छोटे पर्ल्स मिलते हैं, मोती मिलते हैं, ये लगवाए हैं तीन का एक बंच बनवा के। ये इसके पूरे हमने कॉलर पट्टी में या बटन पट्टी इसको बोलते हैं, उसमें लगवा ली हैं 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो अब आपका अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना लंबी है ये। ये लगवा लिए हैं। उसके बाद इसके दामन में हमने क्या किया है, मैं दिखाती हूँ। इसके दामन में भी इसी तरह हमने ये वाला फैब्रिक लगवाया है। मुझे इसी तरह कैमरा फोकस नहीं कर रहा, हाँ, ये जो है तीन मोती जो हैं इसी तरह इनका बंच बनवा के लगवाया है, और ये इतना खूबसूरत लग रहा है दामन इसका पूरा। चेक करें ज़रा, दामन में लगे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तरह से।
उसके बाद स्लीव्स जो हैं इसकी, स्लीव्स में क्या किया है, यहाँ पे थोड़ी सी चन्नटे डलवा के ये स्लीव्स में मैंने लगवा दी है इलास्टिक। बहुत ही खूबसूरत सा ये इसमें जो है, अगर मेरे पास पिक्चर होगी इसकी तो मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत ही खूबसूरत सी जो है ये इसकी स्लीव्स आती हैं, थोड़ी सी फूली फूली सी, और यहाँ पे प्लास्टिक की वजह से इसमें जो चन्नटें आ गई हैं इस वजह से इनका लुक जो है वो बहुत खूबसूरत आता है। अच्छा जी, ये है हमारा कुर्ता नंबर 2 का ओवरऑल लुक, कितना खूबसूरत लग रहा है ये, और क्या लगेंगी आप ये गर्मी की दोपहर में। आपने शॉपिंग पे जाना है, किसी के घर जाना है, फ्रेंड्स के साथ कोई गैदरिंग है, तो एक वाइट कुर्ता या इस तरह का थोड़ा लाइट कलर का, ऐसी हल्की फुल्की जो है डिज़ाइनिंग के साथ छा जाएंगे आप। अच्छा जी, उसके बाद थर्ड शर्ट है हमारे पास, ये खूबसूरत सा लाइलैक कलर। अच्छा, कलर भी सारे जो हैं वो समर के हिसाब से बहुत अच्छे हैं और आजकल बहुत इन में है, स्पेशली ये लाइलैक कलर जो है। ठीक है, इसको ओपन करते हैं। अब इसका गला कुछ भी नहीं है, सिंपल मैंने बस बोट नेक बनाई है। आई पर्सनली लव बोट नेक्स, तो बस यहाँ पे एक पर्पल कलर की पाइपिंग है और ये इसका बोट नेक बना हुआ है, और इसके गले में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल प्लेन है। मुझे ऐसे ही सादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि वैसे मेरे ज़्यादातर डिज़ाइंस जो हैं वो गले में नहीं होते, क्योंकि गले में वैसे भी दुपट्टा आ जाता है तो वो छुप जाते हैं, तो मैं स्लीव्स पे या फिर दामन पे जो है डिज़ाइनिंग ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है, और मैं वहीं पे करती भी हूँ। एनीवे, अच्छा जी, अब इस शर्ट के साथ जो है ये बंच दिए हुए थे ऐसे वाले एम्ब्रॉयडरी के, ठीक है, जो ये लगाए हैं स्लीव्स में, तो मैंने सोचा हाफ स्लीव्स से बेहतर है अगर हम थोड़ी सी लूज़ वाली स्लीव्स बनाएं, लेकिन ये बेल बॉटम वाली लूज़ स्लीव्स नहीं है, ये स्ट्रेट लूज़ स्लीव्स हैं, कुर्ते की जैसे होती हैं उस स्टाइल की मैंने सिलवाया है। यहाँ पे पाइपिंग लगाई है, और ये जब लूज़ के साथ आप ये पहनते हैं तो ये इसकी एम्ब्रॉयडरी जो है वो और भी ज़्यादा अच्छी लगती है ऐसे। अच्छा, उसके बाद इसके साथ एक और जो है ऑर्गेन्जा का पैच दिया हुआ था, जो कि आप चाहें तो स्लीव्स में भी लगवा सकते थे, आप चाहें तो गले में लगवा सकते थे। वैसे मॉडल ने जो है वो गले में लगवाया हुआ था, लेकिन मैंने जो है वो नेक में नहीं लगाया, मैंने वो लगवाया है दामन में इस तरह से। ज़रूरी नहीं है अगर उन्होंने आपको नेक के लिए दिया हुआ है तो आप वो नेक में भी लगाएं, अगर आपको कहीं और अच्छा लग रहा है तो आप अपनी थोड़ी सी इमेजिनेशन जो है वो यूज़ कर सकते हैं आई गेस। तो ठीक है, मैंने इसको दामन में लगाया ताकि इसका दामन खाली ना लगे। तो एक मिनट, ये देखिए, ओए होए, देखिए इस तरह से बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये। अच्छा जी, इसके साथ था इसका ये सेम प्रिंट का शेफोन का दुपट्टा। दुपट्टे को जो है हम लोग अक्सर लोग, मैं तो नहीं, अक्सर लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, दुपट्टों पे कुछ नहीं करवाते, लेकिन मुझे लगता है कि दुपट्टों पे अगर थोड़ा सा भी काम हो जाए तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। जैसे कि ये इसके पूरे दुपट्टे पे जो है, आपने सिंपल पीको वाले के पास जाना है और उससे कहना है कि ये पर्ल्स वाली जो पीको है ये कर दें, ठीक है, तो आपको आराम से कर देगा। तो ये हो गया इसका दुपट्टा, बहुत ही खूबसूरत सा और बहुत ही अच्छा सा तैयार। ये देखिए जी, आप लाइलैक कलर का ये ड्रेस और इसकी आप ओवरऑल लुक देख लीजिए, बहुत ही क्लासी लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही स्टाइलिश लग रहा है, और सिंपल होने के साथ साथ इसकी स्लीव्स थोड़ी सी मेहनत से आपका ड्रेस जो है वो बहुत खूबसूरत बन सकता है। अच्छा जी, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट ड्रेस है ये, आइस ब्लू कलर का ये ड्रेस है, आई गेस लाइमलाइट का ड्रेस है ये, ठीक है। इसके साथ अब क्या क्या, ये ऑलरेडी कुछ कपड़े होते हैं जिनका खूबसूरती जो होती है उनके सिंपल रहने में, उनके सादा होने में होती है, तो इसके साथ ज़्यादा कुछ नहीं किया है, बस एक पाइपिंग लगवा के आपको दिखाती हूँ। ये पाइपिंग लगवाई है, ठीक है, राउंड नेक है इसकी, यहाँ पे हल्का सा कट है, और यहाँ पे पाइपिंग लगवा के ये टसल्स जो है बटन्स ये लगवा दिए हैं, चार हैं, ठीक है, इसके गले में लगा दिए हैं इस तरह से, और इसकी स्लीव्स के साथ क्या किया है, इसकी स्लीव्स में भी हमने इस तरह से कट लगवा दिए हैं, ठीक है, सिंपल इसकी क्वार्टर स्लीव्स हैं, आई गेस 17 इंचेस, सॉरी
प्रेस को इग्नोर करें, मैंने प्रेस किया था लेकिन ये ख़राब हो गया है। एनीवे तो इसकी इस तरह से स्लीव्स में आपने ऐसे कट लगवाना है, ठीक है, ऐसा एक राउंड कट है सिंपल सा, और ये इसकी क्वार्टर स्लीव्स बननी है, ठीक है। ये है, लेकिन इसको सिंपल रखने की एक और वजह है इसका दुपट्टा, माय फेवरेट। इसका दुपट्टा एक्चुअली था ऑर्गेन्जा टिश्यू का, ठीक है, ऐसे कुछ कपड़े का था इसका दुपट्टा, और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हसीन। और मुझे इसके दुपट्टे के साथ एक्चुअली कुछ काम करवाना था, तो क्या किया है हमने, क्या किया है हमने, ये किया है हमने ब्लू कलर का टिश्यू लिया है, ठीक है, और उसके बाद इसके दुपट्टे के चारों कॉर्नर्स पे इस तरह उसमें प्लेट्स डलवाई हैं। सीधा सीधा नहीं सिलवाना है, इस तरह आप चाहें तो पिक्चर ले सकते हैं, अपने टेलर को दिखा दिएगा, ले लें पिक्चर, और इस तरह उसमें प्लेट्स डलवा के इनको थोड़ा सा फोल्ड करवा के हमने पूरे दुपट्टे पे लगाया है, और बहुत ही खूबसूरत बना है ये दुपट्टा। मैं आपको आराम से दिखाती हूँ। बहुत ही पहन के जो है इसका लुक बहुत ही खूबसूरत आता है। अब आप देखें इस सूट का ओवरऑल लुक और ये दुपट्टे का लुक कि ये कितना खूबसूरत लग रहा है। अच्छा खासा बहुत बड़ा दुपट्टा है इसका, और सूट को थोड़ा प्लेन रखने की वजह यही थी क्योंकि दुपट्टा जो है वो थोड़ा सा हैवी था। अगर आपका दुपट्टा हैवी है तो आप कोशिश करें कि शर्ट लाइट हो जाए, और अगर शर्ट बहुत ज़्यादा हैवी है तो दुपट्टे को थोड़ा सा लाइट कर लें। इसी तरह हर चीज़ हैवी हैवी ना, स्पेशली गर्मियों में जब बहुत ज़्यादा हैवी कपड़े पहने नहीं जाते। तो ये था इसका लुक जी। तो ये थी आज की वीडियो, इंशाल्लाह ड्रेस डिज़ाइनिंग पार्ट 2 के साथ हाजिर होंगे, और आपको इनमें से कौन सा जोड़ा अच्छा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।